हेलो एंड वेलकम टू प्रोटॉन हब। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का लेसन नंबर 1 करने वाले हैं लाइन टू लाइन इन हिंदी, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इट वाज रिटन बाय माइकल मॉपर्गो। एंड बिफोर यू रीड, लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स अबाउट द चैप्टर। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। ऐसी बहुत सी डेट्स एंड पीरियड्स होते हैं अपने हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड की, जो लगभग हर कोई उन्हें याद रखता है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं, ऐसी ही एक डेट के बारे में ही, घटना के बारे में है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक ऐसा युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा युद्ध था ये? चलिए आप अंदाज़ा लगाइए, तब तक मैं कुछ डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं। आप वीडियो को पॉज करके और हाई क्वालिटी पे प्ले करके इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हैं। जैसे 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, अमेरिका आज़ाद हुआ था। 17 दिसंबर 1903 में क्या हुआ था, ओलिवर जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने पहली फ्लाइट भरी थी और वो 12 सेकंड्स तक हवा में रहे थे, रहने में कामयाब रहे और 120 फीट का डिस्टेंस कवर किया था। उसके बाद 6 अगस्त 1945 को, जी हाँ ये तो सभी को याद रहता है, हिरोशिमा डे। क्या हुआ था, अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिया था जापान के ऊपर, क्योंकि जापान ने सुसाइड प्लेन बॉम्बर्स वहाँ पे भेज दिए थे इनके, एक और शिप वगैरह तोड़ दी थी। आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं इसका। फिर आते हैं हम 30th जनवरी 1948 को, और ये भी लगभग सभी को याद रहता है, इस दिन महात्मा गांधी जी को की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। उसके बाद आते हैं अपने 12 अप्रैल 1961 में, 12 अप्रैल 1961 को जो यूरी गागरिन थे वो पहले इंसान मानव बने थे अर्थ के ऑर्बिट में पहुँचने वाले। और 20 जुलाई 1969 को जो अमेरिका था उसने अपना जो अपोलो मिशन था वो भेज दिया था, और नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बने जिसने चंद्रमा पे कदम रखा। तो चलिए अब पैराग्राफ और पैसेज चैप्टर को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसको पॉज करके वर्ड मीनिंग्स प्लीज़ अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखते जाइएगा, और एज इट इज़ जैसे काम होता है वैसे ही आप लोगों ने अपना काम भी करते रहना है, और क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्दी आपको इनके प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा है कि मैंने इसको ब्रिटपोर्ट में देखा था एक शॉप में, और ये एक रोल टॉप डेस्क थी, और आदमी ने एक आदमी जो आदमी वहाँ पे था उसने मुझसे कहा कि अर्ली 19th सेंचुरी की है और ओक वुड से बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, और मैं एक चाहता भी था, बट दे वर टू फार टू एक्सपेंसिव। वो कहता है कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और वो कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, और जो रोल टॉप थी वो काफ़ी सारे पीसेज में थी, यानी टुकड़े हो रखे थे, काफ़ी टूट फूट हो रखी थी उसके साथ, और इवन उसका जो एक लेग था वो भी बहुत ही क्लम्सिली मेंडेड। क्लम्सिली मेंडेड मतलब क्या होता है, रिपेयर्ड। क्लम्सिली मतलब बहुत बुरी तरीके से ही रिपेयर किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और जो स्कॉच मार्क्स थे, स्कॉच मार्क्स मतलब बर्न मार्क्स, यानी कि वो जली हुई भी थी, ऑल डाउन वन साइड, दूसरी एक साइड उसकी पूरी जली हुई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और देख के पता लग रहा था कि उसकी बहुत कम कीमत लगने वाली है, ज़्यादा महंगी नहीं है। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। हालांकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क, एक चैलेंज था, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही था। दैट्स व्हाई ही सेड आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। फिर उसने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और इसको अपने वर्क रूम में ले आया और गैराज के पीछे रख दिया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पर क्रिसमस ईव पे काम करना शुरू किया। ईव आप सभी जानते हैं किसी भी इवेंट या प्रोग्राम से पहले का टाइम या इवनिंग। ओके चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। आप बच्चे ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फॉर बेटर व्यूइंग। यस, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स। उसने कहा कि मैंने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और इसके ड्रॉवर्स वगैरह भी खींच के बाहर निकाल दिए। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो वनीर था, वनीर आप समझ सकते हो कि अपनी टेबल्स वगैरह पे जो सनमाइका वगैरह डेकोरेटिव कवरिंग जो होती है उसे वनीर कहते हैं, तो वो हर तरफ से उठी हुई थी और छूट रही थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और देख के मुझे लगा कि ये पानी के कारण हुआ होगा, यानी खुले में पड़ी रही थी तो वर्षा वगैरह के कारण वो फूल गई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, तो देख के पता लग रहा था कि आग और पानी ने इसको काफी डैमेज पहुंचाया है। टेकन देयर टॉल ऑन का मतलब होता है डैमेज्ड। ओके, द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, और वो कहता है कि जो लास्ट ड्रॉअर था वो काफी ज्यादा अटक गया था, मतलब वो निकल नहीं रहा था। स्टक फास्ट मतलब वो निकल नहीं रहा था। ओके, आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. और मैंने उसको अपने तरीके से खोलने की कोशिश करी फिस्ट वगैरह बना के, और तभी एकदम से ड्रॉर झटके से खुला और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर भी निकल के आया। There was something in there, और उसके अंदर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box, और मैंने आगे बढ़ के उसको लेने की कोशिश करी तो मैंने एक छोटा स्मॉल ब्लैक बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग।
तो उसके अंदर क्या मिला उसे, जब उसने खोला तो एक लाइंड नोट पेपर था जिसको लिखा गया था कांपती हुई, शेकी हैंडराइटिंग मींस कांपती हुई हैंडराइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915, उस पर लिखा हुआ था जिम्स, जिम का लास्ट लेटर और रिसीविंग डेट दे रखी थी January 25, 1915, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और लिखा हुआ था कि ये मेरा अंतिम लेटर है, इस दिन रिसीव किया गया है और ये मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स इट यूजली डस। वो कहता है कि मुझे पता था कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन जो मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, उसने मेरे ऊपर, वो मेरे ऊपर हावी हो गई और उसने मेरे स्क्रपल्स को दबा दिया। और ऐसा ही अक्सर होता है। स्क्रपल्स क्या होता है बेटा, एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमें रोकती है कुछ भी गलत करने से। ओके, तो स्क्रपल्स आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, तो बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, अब उस पे एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। तो उसमें एक एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आप समझ जाइए मिसेस मैकपर्सन का जो प्रॉपर एड्रेस दे रखा है ब्रिडपोर्ट डॉरसेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उस लेटर को निकाला और उसको खोला, अनफोल्ड उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और वो पेंसिल से लिखा गया था और उस पर डेट पड़ी हुई थी December 26, 1914। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी अभी डिटेल्स बताएंगे कि उसने कैसे निकाला, क्या क्या था, क्या डेट पड़ी थी और वो किसके साथ दफनाने के लिए बोला गया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे इसकी। ओके, तो वर्ड मीनिंग्स आप साथ के साथ अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखते जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है फर्स्ट पार्ट और अब हम आ गए सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है बेसिकली, वो पूरा का पूरा वो लेटर है जो कि कोनी को लिखा गया था। तो चलिए लेटर को पढ़ के देखते हैं लेटर में क्या है, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। वो कहता है कि डियरेस्ट कोनी, हे प्रिय कोनी, मैं एकदम हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब क्या है, मेंटल स्टेट। तो मैं एक बहुत ही खुशनुमा मेंटल स्टेट में बहुत खुश होते हुए ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ इतना वंडरफुल हुआ है जो मैं तुम्हें एक बार में बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग। वो कहता है कि हम सब कल अपने यस्टरडे मॉर्निंग को अपने ट्रेंचेस में सब खड़े हुए थे। और ट्रेंचेस क्या होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं लॉन्ग डीप डिचेस। अगर आप कोई भी आर्मी मूवी देखोगे, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कोई भी हॉलीवुड, तो उसमें आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे जिनके अंदर सोल्जर्स अपने पोजीशन लेके बैठे रहते हैं और बॉम्बिंग से बचते हैं। ओके, तो हम सब वहाँ बैठे हुए थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। वो कहता है कि उस दिन जो दिन था काफ़ी प्लीजेंट था, ड्राई और कूल तो था लेकिन काफ़ी प्लीजेंट था और काफ़ी शांत भी था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। वो कहता है कि इतनी खूबसूरत दिन था वो, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, और मुझे तुम्हें ये बताते वक्त अजीब फील नहीं हो रहा कि ये सब हमने शुरू किया था, बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से इज दैट फ्रिट्स बिगैन इट। लेकिन थोड़ा सा बताते वक्त थोड़ी सी मुझे शर्म भी आ रही है कि असल में ये शुरुआत किसने करी थी, फ्रिट्स ने, यानी कि फ्रिट्स यूज़ होता था जर्मन सोल्जर्स के लिए, एक स्लैंग था, तो फ्रिट्स मतलब जर्मन सोल्जर्स, ये सब फ्रिट्स ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। वो कहता है कि दुश्मनों के ट्रेंचेस से किसी ने देखा कि सफ़ेद कलर का फ्लैग लहराया जा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और फिर वो लोग वहाँ से हमें नाम ले लेके बुलाने लगे। नो मैंस लैंड क्या होता है, बॉर्डर होता है जहाँ पे दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, someone of us shouted back, "Same to you, Fritz. Same to you." तो यहाँ पे Tommy जो वर्ड हुआ है वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ हुआ है, जैसे कि Fritz हुआ था जर्मन सोल्जर के लिए। तो वो कह रहा है कि अब आप पिक्चराइज कीजिए इस सिचुएशन को वर्ल्ड वॉर की, कि वहाँ से जर्मन्स कह रहे हैं उनको हैप्पी क्रिसमस, टॉमी हैप्पी क्रिसमस, और जैसे ही ये सरप्राइज खत्म होता है तो कोई उनमें से ही कोई ब्रिटिशर्स में से कोई उन्हें रिप्लाई देता है कि तुम्हें भी जर्मन्स, तुम्हें भी सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मुझे लगा कि बस इतना ही होगा। वी ऑल डिड, फिर हम सब ने भी विश कर दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन तभी सडनली क्या हुआ कि उनमें से कोई एक अपना ग्रे ग्रेट कोट पहन के खड़ा हो गया और सफ़ेद कलर का झंडा लहराने लगा। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, तो कोई चिल्लाया कि गोली मत चलाना लैड्स। अब लैड्स क्या होते हैं, आप लैड्स होते हैं यंग बॉयज़ या यंग सोल्जर्स के लिए यूज़ होती है ये टर्म। ओके, तो किसी ने ऐसा कहा कि डोंट शूट, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापिट एंड अनदर, और फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, ट्रेंचेस के आगे की जो जगह थी उसे पैरापिट कहते हैं, ठीक है, जो ऊंची जगह होती है, ठीक है, वॉल बिसाइड द ट्रेंच को पैरापिट कहा जाता है, जिसपे वो चढ़ गए और एक एक करके वो लोग ऊपर चढ़ते रहे। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सरों को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट, तो मैंने अपने लोगों को कहा कि अपने सरों को नीचे रखो क्योंकि ये एक जाल है, बट ऐसा नहीं था।
ये वर्ड मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा बच्चे। चलिए अब आगे स्क्रॉल करते हैं। वर्ड मीनिंग्स लिखने के लिए आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या हुआ। इट्स इंटरेस्टिंग वन। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। उनमें से एक जर्मन क्या कर रहा था, खड़े होकर अपने सर के ऊपर एक बॉटल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी। और वो कह रहा था कि ब्रिटिशर्स आज तो क्रिसमस डे है, वी हैव स्नैप्स। वो कह रहा है हमारे पास स्नैप्स है। अब स्नैप्स क्या होती है, स्नैप्स एक जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन्स वगैरह से बनाई जाती है, जनरली यू कैन से कि अल्कोहल टाइप की कोई ड्रिंक। वी हैव सॉसेज, सॉसेज होता है मीट, कहता हमारे पास मीट भी है। ओके, वी मीट यू, और हम तुमसे मिलेंगे। यस, और फिर वो चिल्लाया कि हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और इतना कहते ही उनमें से डजन्स यानी कि कई ज़्यादा संख्या में लोग हमारी ओर चलने लगे, लेकिन किसी के भी पास हथियार नहीं थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। और जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले आगे बढ़ा। कम ऑन बॉयज, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ये उसने कहा। यानी ब्रिटिशर साइड से सबसे आगे पहले कौन बढ़ा, प्राइवेट मॉरिस। प्राइवेट एक लोएस्ट पोजिशन होती है, पोस्ट होती है मिलिट्री के अंदर, तो मॉरिस सबसे आगे पहले बढ़ा, जैसे सिपाही कह सकते हो आप। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद तो कोई रुका ही नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, और मुझे उन्हें वहाँ पे उस टाइम पे रोकना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे को ऐसा उस टाइम पे ख्याल ही नहीं आया या दिमाग में नहीं आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल। और इसने डिस्क्राइब किया है दोनों की ड्रेसेस को। उसने कहा कि मैंने जब देखा तो बहुत सारे लोग एक लाइन में उनके और हमारे एक दूसरे से मिल रहे थे। कोई ग्रे कोट्स पहने हुए थे, किसी की खाकी कोट्स किसी ने डाले हुए थे उस नो मैंस लैंड के बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से ही एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं इन सब का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, पूरे जंग जब छिड़ी हुई थी हम लोग वहाँ पे शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिस्क्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। तो वो कहता है कि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी उस समय मेरी फीलिंग्स को नहीं, जब एक फ्रिट्स ऑफिसर, एक जर्मन ऑफिसर मेरी ओर आया, आगे बढ़ा और उसने अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाया। हांस वॉल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने मेरे हाथ को वार्मली यानी फ्रेंडली होल्ड करते हुए कहा, अपना नाम बताया, हांस वॉल्फ, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। और उसने अपनी जगह बताई कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उसने बताया कि वो सेलो, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के ग्रुप में एक सेलो, सेलो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलिन फैमिली, तो वो उसे बजाता है। और फिर वो अंत में कहता है हैप्पी क्रिसमस। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। वर्ड मीनिंग्स आप देख लीजिएगा बच्चे। तो जब जर्मन सोल्जर उसे हाथ मिला के ये बोलता है, तो जो वो ब्रिटिश सोल्जर जो ये लेटर लिख रहा है वो कहता है कैप्टन जिम मैकपर्सन, अपना नाम बताता है। आई रिप्लाइड, कहता है कि मैंने रिप्लाई दिया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस बहुत मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो कहता है कि मैं असल में एक शिक्षक हूँ डॉर्सेट से, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पढ़ता है। आ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। तो डॉर्सेट को सुनकर उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। आई नो दिस प्लेस, मुझे इस जगह के बारे में पता है। आई नो इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता है। ऐसा कौन बोलता है, जर्मन सोल्जर बोलता है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज। और उस दिन हमने क्या किया, हमारी रम और राशन और जो भी एक्सीलेंट मीट वगैरह था आपस में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बात करी, कोनी और हमने जैसे भी करी बात करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, यू वोंट बिलीव कि वो जर्मन था, फिर भी वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन ये तो क्लियर हो चुका था कि उसने कभी भी डॉर्सेट में कदम तक नहीं रखा था, इवन वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल द he had learned all he knew of England from school and from reading books in English. जो भी कुछ उसने इंग्लैंड के बारे में जाना था या सीखा था वो सब उसने स्कूल से सीखा था या बुक्स को इंग्लिश में पढ़ के सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy, his favorite book Far From the Madding Crowd. अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि जो जर्मन था उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था, और जो उसकी फेवरेट बुक थी उसका नाम था Far From the Madding Crowd. So out there in no man's land we talked of बाथशीबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। वो कहता है कि उस जगह पे हम लोगों ने अपने अपने कल्चर की बातें करी, बाथशीबा और गैब्रियल ये सब बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं बाइबल से रिलेटेड, एंड सर्जन ट्रॉय की और डॉर्सेट की बातें करी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा था बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैंने अपने इधर उधर देखा तो असल में क्या था, वहाँ पे खाकी और ग्रे की ही भीड़ भाड़ हो रखी थी ऑल ओवर नो मैन्स लैंड। हर उस नो मैन्स लैंड बस नाम का रह गया था। वहाँ पे खूब सारे मैन घूम रहे थे ड्रेसेस पहने, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई पी रहा था, कोई खा रहा था। हांस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। और हांस और मैंने
जो तुम्हारी वंडरफुल क्रिसमस केक थी उसमें से जो बच गया था वो शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसका मानना था कि जो मार्जिपन था उस केक में, मार्जिपन क्या होता है, मार्जिपन असल में स्वीट कवरिंग होती है जो केक के चारों तरफ की जाती है, वो सबसे बेस्ट थिंग थी जो उसने आज तक टेस्ट करी थी। आई एग्रीड, और मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और हम हर चीज़ पे सहमत थे जबकि वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी तो कभी भी यहाँ पे नहीं हुई थी कोनी, वो ऐसा कहता है। नाउ सी, देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर वो कहता है कि तभी कोई उनमें से फुटबॉल लेके आ गया, मुझे नहीं पता कौन लाया बट कोई लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और फिर सभी ने अपने जो बड़े बड़े ग्रेट कोट्स थे वो इकट्ठे करके गोल पोस्ट बना दिए दोनों साइड। और दूसरी चीज़ जो मुझे याद है वो क्या थी कि जो टॉमी यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो फ्रिट्स के अगेंस्ट फुटबॉल मैच खेल रहे थे, वो भी नो मैन्स लैंड में। इसमें आप देखेंगे कि नो मैन्स लैंड को बार बार हाईलाइट किया गया है इस लेटर के अंदर। हांस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चीयर एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग। तो जो हांस वुल्फ उनका लीडर था और जो मैं था, काफ़ी चेयरिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और पैर भी पटक रहे थे असल में, किस लिए, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग, जितना हो सके इस ठंड को दूर भगाने के लिए और किसी चीज़ के बजाय। इसके कहने का मतलब है कि वो चेयरअप करने के बजाय असल में अपनी ठंड भगाने के लिए ऐसा कर रहे थे। देर वॉज अ मोमेंट वैन आई नोटिस आर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और वहाँ एक मोमेंट ऐसा आया कि मैंने देखा कि हम दोनों की जो ब्रेथ थी, जो सांसें थी, वो हवा के बीच में घुल गई, मिक्स हो गई। He saw it too and smiled. और उसने भी ये देखा और मुस्कुराया। Jim McPherson, he said after a while. कुछ समय बाद उसने कहा, Jim McPherson, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है कि इस तरीके से ही हमें युद्ध का हल निकालना चाहिए। A football match, एक football match के द्वारा। No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. वो कहता है कि football match में कोई नहीं मरता, football match में कोई बच्चे अनाथ नहीं होते और ना ही कोई जो शादीशुदा wives होती हैं वो विधवा होती हैं। I would prefer cricket, I told him. लेकिन मैंने उसे पलट के जवाब दिया कि मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट को चुनना पसंद करूँगा बजाय फुटबॉल के। Then we Tommies could be sure of winning probably. तो मैंने उसके बाद एक लाइन और ऐड कर दी कि मैंने कहा कि तब शायद टॉमीज के रूप में यानी कि हम ब्रिटिशर्स को लगेगा कि हाँ शायद हम तुमसे जीत सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, और हम दोनों ही इस बात पे हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ में उस गेम को देखा। सेट टू से कोनी, फ्रिट्स वन। फिर वो कहता है कि दुख की बात है ये कहते हुए, मुझे दुख हो रहा है कोनी कि असल में जर्मन्स जीत गए, फ्रिट्स वन द मैच 2-1। वो दो गोल से हमसे जीत गए, हमने एक गोल किया उन्होंने दो किए। बट एज हांस वुल्फ जेनरसली सेड, तो लेकिन जो हांस वुल्फ था उनका लीडर, उसने बहुत ही जेनरसली मुझसे कहा कि आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि जो हमारा गोल था वो उनके गोल से कहीं ज़्यादा दूर से किया गया था। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो ये असल में कोई ज़्यादा फेयर बात नहीं है, क्योंकि वो जाते जाते भी हमें दिलासा देके जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। और उस समय के बाद ही एक समय आ गया कि गेम भी खत्म हो गया, स्नैप्स वगैरह, रम एंड सॉसेज वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, और तब हमें रियलाइज हुआ कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। आई विश्ड हांस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड गो होम। और फिर मैंने हांस से कहा कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से जल्दी मिलोगे, ये युद्ध जो है जल्दी खत्म हो जाएगा और हम सब अपने घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हांस वुल्फ सेड। हांस वुल्फ कहता है मेरी इस बात को सुनकर कि मुझे भी ये लगता है कि दोनों साइड के सोल्जर्स भी ऐसा ही सोचते हैं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, और फिर उसने कहा कि अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना ही मैं ये पल कभी भूलूंगा और ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने मुझे सैल्यूट किया और मेरे से दूर चला गया अनविलिंगली, यानी कि वो जाना नहीं चाहता था फिर भी चला गया, ऐसा मैकपर्सन ने फील किया। आई फेल ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिपिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। उसने बस एक बार टर्न किया और वेव किया और कुछ ही समय में हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन अपने अपने ट्रेंचेस की ओर जाने लगे। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। और उस रात उनके हमने अपने डगआउट्स में उनको क्रिसमस कैरल गाते हुए सुना और वो भी बहुत ही अच्छे से उसे गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैश साइलेंट नाइट। अब ये स्टिल नैश क्या होता है, इसका मीनिंग देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स में, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी इट्स अ नेम। या इट वॉज स्टिल नैश साइलेंट नाइट, और उसके बाद कौन सा गाना गाया गया, स्टिल नैश और साइलेंट नाइट। आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और फिर हमारे जो बॉयज थे उन्होंने उनको कोरस दी वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड की, यानी ये सॉन्ग्स की बात हो रही है उनके कंट्री से रिलेटेड। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और हम लोगों ने कैरल्स को एक्सचेंज किया
कुछ समय के लिए और उसके बाद हम सब शांत हो गए. वी हैड हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. वो कहता है कि हम लोगों को अपना वो शांति का समय और अच्छी भावना का समय मिल चुका था, एक ऐसा समय जिसको मैं हमेशा ट्रेजर के रूप में संभाल के रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, यानी कि आई विल कीप इट इन माई मेमोरीज. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. डियरेस्ट कोनी, मैं जानता हूँ कि अगले क्रिसमस तक ये जो वॉर है ये कुछ नहीं रह जाएगी, बस एक डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी बन के रह जाएगी, यानी कि अगले साल तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. जो कुछ भी मैंने आज देखा उसे देख के तो ये लग रहा था कि जो दोनों आर्मीज हैं वो कितनी ज़्यादा शांति को चाहती हैं, वो चाहती हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. और हम दोनों जल्द ही दोबारा एक हो पाएंगे, साथ में हो पाएंगे, आई एम श्योर ऑफ इट. और मुझे इस पे कोई शक नहीं है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ. योर लविंग जिम. और फिर वो लेटर का अंत कर देता है योर लविंग जिम कहके. इसके बाद थर्ड पार्ट हम करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर. अब थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों क्या है. यस, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. अब वो कौन, ये जो अपना प्रोटैगनिस्ट था, वो कहता कि मैंने जब ये लेटर पढ़ लिया तो मैंने इसको दोबारा फोल्ड किया और दोबारा से इसको इसके एनवेलप में डाल दिया. आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात भर जागा रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. और सुबह होते होते मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. मैं ब्रिटपोर्ट गया जो कि कुछ माइल्स ही दूर था मेरे घर से. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज. मैंने एक बच्चे से पूछा जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था कॉपर बीचेस के पास. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नट आउट शेल, द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. तो जब उसने मुझे बताया तो वो जो हाउस नंबर 12 था उसको जब मैंने देखा तो वो कुछ भी नहीं था, एक जला हुआ खोखला शेल की तरह था जिसकी छत से छत ढह चुकी थी जिसकी, और जो विंडोज़ थी वो भी पूरी तरीके से वुडन प्लैंक से कवर कर दी गई थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. तो मैंने उसके पड़ोस वाले घर को नॉक किया और किसी को देखा कि कोई मुझे मिसेस मैकपर्सन के वेयर अबाउट्स के बारे में बता सके. वेयर अबाउट्स होते हैं लोकेशन जहाँ पे कोई व्यक्ति हो. ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. तो एक व्यक्ति था वहाँ पे, एक ओल्ड मैन था जिसने चप्पलें पहनी हुई थी, उसने कहा कि हाँ मैं बता सकता हूँ क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने कहा कि हाँ वो बहुत ही लवली ओल्ड लेडी थी. अ बिट मडल्ड हेडेड, लेकिन थोड़ी सी मडल हेडेड थी. मडल हेडेड बुढ़ापे में हो भी जाते हैं. मडल हेडेड मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी उम्र में वो होनी भी चाहिए थी. वॉजंट शी, क्या नहीं होनी चाहिए थी. 101 ईयर्स ओल्ड. तो क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो 101 साल की थी, यानी कि इतने साल गुजर गए थे. एंड शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब उस घर में जिसके अभी डिस्क्रिप्शन मिला था उसमें जब आग लगी थी तो वो उस घर के अंदर ही थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी थी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आग कैंडल्स वगैरह से लगी होगी. शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि वो कैंडल्स को ज़्यादा प्रेफर करती थी इलेक्ट्रिसिटी से. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसका मानना था कि बिजली जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन थे अग्निशमक दल के जो लोग थे उन्होंने उसे समय रहते ही बचा लिया था. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अब वो कहाँ रहती है, वो एक नर्सिंग होम में रहती है. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. तो वो जो लोकेशन थी वो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बता दी कि बर्लिंगटन हाउस है डॉरचेस्टर रोड पे, जो कि साउथ इस टाउन के अदर साइड पे पड़ता है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट पैरा में देखते हैं कि क्या हुआ. ओ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज. यस, ओके. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. तो अब जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है हमारी स्टोरी का, वो कह रहा है कि मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत ही आसानी से मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टोर इन द कॉर्नर विद अ लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप. तो वो कह रहा है कि मुझे वो बहुत ही आसानी से मिल गया, और उसमें एक कॉर्नर पे जो क्रिसमस ट्री खड़ी हुई थी और दूसरी साइड में जो लॉप साइडेड एंजल, वो जो चर्च वगैरह में जनरली टिल्टेड जीजस की वो लगी होती है ना स्कल्पचर, वो लगा हुआ था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. तो मैंने वहाँ जाके बोला कि मैं मिसेस मैकपर्सन का एक दोस्त हूँ जो उनको एक प्रेजेंट देने आया हूँ क्रिसमस पे. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं आराम से देख सकता था डाइनिंग रूम में जहाँ पे सब लोग गा रहे थे और पेपर हैट पहने हुए थे. द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मेट्रन थी वहाँ की उसके पास भी क्या थी, उसके सर पे भी एक हैट थी. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई मुझे देख के. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिंस पाई, और उसने मुझे मिंस पाई तक ऑफर कर दी. मिंस पाई क्या होता है, ये मीट से बनी हुई टिक्की समझ सकते हो, आप कह सकते हो मीट की टिक्की. तो शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर से लेके गई.
मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, और जो मिसेस मैकपर्सन थी वो औरों के साथ नहीं थी, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, वो काफ़ी कन्फ्यूज थी, हाँ, तो हमें लगा कि उनको रेस्ट दे दिया जाए तो यही ज़्यादा बेहतर होगा. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम्हें पता है उनकी कोई फैमिली नहीं है, नो वन विजिट्स, और ना ही कोई उनसे मिलने आता है. सो आई एम श्योर शी be only too pleased to see you. तो मुझे लगता है कि तुम्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो वो कहता है कि वो मुझे एक कंजर्वेटरी में लेके गई, ग्लास वॉल्ड हाउस जिस कह सकते हो आप, उसे कंजर्वेटरी कहते हैं जनरली, जहाँ पे आजकल प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसी एक कंजर्वेटरी में लेके गई जहाँ पे ड्राइड केन की चेयर्स बनी होती हैं, विकर चेयर्स कहते हैं जिन्हें, और हर तरफ वहाँ पे क्या थे, पॉटेड प्लांट्स थे, गमलों में पेड़ पौधे लगे हुए थे, और फिर वो मुझे वहीं पे छोड़ के चली गई. अब देखिए, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर पड़ी हुई थी और उसके हाथ उसकी लैप में फोल्डेड थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विम्सी बन, और उसके जो सिल्वर वाइट हेयर थे वो एक बहुत ही पीछे की ओर गोल जुड़ा सा बंधे हुए थे पिन द्वारा. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की ओर गेज कर रही थी, देख रही थी. हेलो आई सेड, मैंने कहा नमस्कार, हेलो. She turned and looked up at me vacantly. और वो मुड़ी और उसने मेरी ओर vacantly मतलब बिना any emotions, with no emotions देखा. Happy Christmas Connie, I went on. मैंने उसको कहा Happy Christmas Connie, और मैं आगे बढ़ा. I found this, I think it's yours. मैंने कहा मुझे ये मिला है, शायद ये तुम्हारा है. As I was speaking, her eyes never left my face. जब मैं कह रहा था तो उसकी जो नज़रें थी वो मेरे चेहरे से बिल्कुल नहीं हटी. I opened tin box and gave it to her. और मैंने tin box को खोला और वो लेटर उसको पकड़ा दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. तो जैसे ही मैंने उसको बॉक्स दिया, उसी मोमेंट में मैंने क्या देखा कि उसने उस चीज़ को पहचान लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई, और उसका जो चेहरा एकदम अभी डल पड़ा हुआ था उसके अंदर सफ्यूज मीन्स एकदम से फ्यूजन हो गया, और जैसे सडन ग्लो, वो खुशी से चमक उठा वो चेहरा. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे वो डेस्क मिली और कैसे मुझे ये सब मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो मुझे सुन रही थी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय के लिए तो उसने कुछ भी नहीं कहा. बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और फिर उसने जो लेटर था उसको स्ट्रोक मतलब उस पर फिंगर्स को ऐसे हल्के से खोल रही है, बंद कर रही है, अपनी फिंगर टिप से करा. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड, और सडनली उसने हाथ आगे बढ़ा के मेरे हाथ को पकड़ा, और उसकी जो आंखें थी वर फिल्ड विद टीयर्स, आंखों में आंसू आ गए उसके. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पे घर आओगे. एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है दुनिया में. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, उसने कहा मुझसे कि मेरे पास आओ, बैठो जिम. और आई सेट डाउन बिसाइड हर, और मैं उसके साइड में बैठ गया. एंड शी किस्ड माय चीक, और उसने मेरे गाल को किस किया. एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे, फिर वो बोली कि मैं तुम्हारे लेटर को लगभग रोज ही पढ़ती हूँ. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने कानों में सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और इससे मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर, और अब देखो तुम असल में मेरे साथ हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और क्योंकि जब तुम यहाँ आ चुके हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ही मुझे ये पढ़ के सुनाओ. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे जिम. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेंस्ट, मैं बस दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच, और मैं वो आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, और उसके बाद हम दोनों थोड़ी सी चाय पियेंगे, यानी कि मिलके बैठ के चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड, और मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाई है जिसके चारों तरफ मार्जिपन लगा हुआ है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन इतना ज़्यादा पसंद है. मार्जिपन मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है. थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ़.